चीज को लेके आया हूं, ठीक है। सारे के सारे बच्चों की बेटा नजर इसी पे होनी चाहिए, जो चीज मैं बताने वाला हूं वो चीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जितनी भी ये हवादार रैंक है, ठीक है, इसके पीछे एक मेहनत है। आपको सिर्फ शायद ये दिख रहा हो कि आज इनको मतलब कितना वो मिल रहा है, फेम मिल रहा है, सब कुछ जो भी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक मेहनत है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जैसे ये लोग अपना कॉलेज में जाएंगे और एट प्रेजेंट 12वीं वाले जितने भी बच्चे हैं, अब उनकी बारी, ठीक है, अब उनकी बारी आ जाएगी। विद इन फ्यू मंथ्स वो लोग इस प्रोसेस में आना स्टार्ट करेंगे और देखते ही देखते बेटा आप भी इसी प्रोसेस का एक पार्ट बन चुके तो है ही, लेकिन एग्जाम वाले प्रोसेस का एक पार्ट बनेंगे बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो मेरा आपसे बस ये कहना है कि प्लीज इन सारी रैंक्स को देख के ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि वो आपकी रैंक नहीं है, वो आपकी रैंक नहीं है, इन बच्चों ने मेहनत करी है, दिन रात बराबर किए हैं, ठीक है, और हो सकता है इसके पीछे हजारों स्ट्रगल हो, हजारों स्ट्रगल जो इन्होंने पार किए हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं बेटा, अगर आप नहीं मेहनत करोगे तो दूसरा तो करेगा ही और दूसरा रैंक ले जाएगा, ठीक है। स्ट्रगल उसके पास भी हो सकते हैं, स्ट्रगल आपके पास भी हो सकते हैं, हो सकता है कि दोनों के पास बराबर स्ट्रगल हो, लेकिन अगर एटीट्यूड डिफरेंट है, जिसका फाइट मारने का है वो रैंक ले जाएगा और जिसका एटीट्यूड गिव अप करने का था वो रैंक से हट जाएगा, है ना, है ना भाई, ठीक है, बोलो भाई। अब ये हाँ, कुछ बच्चों को सॉरी ये तो यहां पर भी है वहां पर भी, वो तो अब जैसे ये समझो, ठीक है, कंट्रीब्यूशन की बात है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन की बात है। मैं जो बच्चे स्पैम कर रहे हैं उनका पता नहीं क्या लॉजिक है, वो मीडिया ड्रिवन स्पैम है, ठीक है, मीडिया ड्रिवन। आपके पास भगवान ने बुद्धि दी है, ठीक है, हमेशा कहा जाता है ना कि उसको यूज करा करो, ठीक है। बच्चा हो सकता है इसने यहां से भी पढ़ा, वहां से भी पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा, खुद से भी पढ़ा, लेकिन एट द एंड पढ़ा। आप पहले वाले पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो लोग स्पैम कर रहे हैं ना वो मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो लोग स्पैम कर रहे हैं, ठीक है, उनका कुछ नहीं होना, रीजन भी क्योंकि आप गलत चीज पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। इन बच्चों ने जो भी बोला वीडियो में वो साफ बोला कि हमने पढ़ा और पढ़ने से रैंक आया, कहां से पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो सब आपके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको अपनी तैयारी अलग से करनी है, हाँ या ना, ठीक है। मेन चीज है पढ़ाई करना, मेन चीज है पढ़ाई करना बेटा, ठीक है। एक बार अपने आप को जरा रोक के ये सोचना कि बेटा जिस दिन आप वहां पर पहुंचेंगे जहां पर आपने ड्रीम किया हुआ है, उस दिन कैसी खुशी मिलेगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता था कि बीच में प्रॉब्लम आती थी तो मैं खुद से ये सोचता था यार उस दिन कितना मजा आने वाला है, उस दिन कितना मजा आने वाला है ना। तो आपको कई बार अपने आप को समझाना पड़ेगा, बरगलाना पड़ेगा, बेवकूफ भी बनाना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन फिक्स रखनी पड़ेगी, डायरेक्शन फिक्स रखनी पड़ रही, ठीक है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा, ठीक है, यस, आप सभी को बोलूंगा कि जो भी रैंक्स आई उनके पीछे एक बेसिक सा प्रिंसिपल था कि दैट दे फॉट विग्रसली। इनके पास भी प्रॉब्लम्स रही होंगी लेकिन इन्होंने फाइट मारी है और आप भी फाइट मारते रहिए, अभी समय है, ठीक है बेटा, ओके, बोलिए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। एटीट्यूड मैटर्स, ठीक है, चला जाए बेटा, हाँ, प्लीज अपने टेस्ट को सीरियसली लीजिए। मैं बता रहा हूं ना, ये जो नौटंकी दूसरे बच्चे करते हैं, ना कि सर हमारे पास ये हो गया, हमारे पास एक्सक्यूजेस की लिस्ट सबके पास होगी, इनसे पूछोगे तो इनके पास एक्सक्यूजेस की लिस्ट कम होगी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक्सक्यूज बनने नहीं दिया। आप बनने दे रहे हो तो अपनी रैंक गवा रहे हो, ठीक है, फाइट मारते रहो आखिरी तक। मैं बता रहा हूं आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है, चला जाए बेटा, यस। और 1.5 साल के बाद बेटा याद रखना, टीचर्स डे पे मजाक में तुमने कुछ बोला था, प्रॉमिस किया था, 1.5 साल के बाद आपकी बारी होगी प्रूफ करने के लिए अपने पेरेंट्स को,
अपने आप को या फिर उन सभी को जिन्होंने आपको नीचा दिखाया कि आपसे नहीं हो सकता। अब बोलोगे सर आप ही कहते हो आपसे नहीं हो सकता, वो तो मोटिवेट करने का तरीका है कि आप एग्रेशन में आओ। ठीक है, हम टीचर्स का तो यही काम है। अगर हमें पता होता कि अगर आपसे नहीं हो रहा होता तो मैं पढ़ाता क्यों, लॉजिक सोचो ना, पढ़ा रहा हूं ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कभी कभार एग्रेशन भी डालना है। ठीक है, एग्रेशन भी डालना है तो फाइट मारना बेटा। डेढ़ साल है आपके पास, डेढ़ साल। ठीक है, यस। जिन लोगों को लगता है कि सर मेरा आधा समय खराब हो गया तो क्या आप डेढ़ साल भी खराब करेंगे, ये भी सोच लेना, क्या रोने पीटने से डेढ़ साल खराब नहीं होगा? होगा। फाइट मारोगे तो ये डेढ़ साल यूज कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, आप अपने लिए बेटा डेढ़ साल के बाद आप बैठोगे उस एग्जाम में। ठीक है, और ये समय बीतते पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आनी है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आने वाले, हो सकता है आने वाले दिन आपके और खराब हो। तो क्या आप अपना एटीट्यूड आज डिसाइड करते हैं कि भले ही कितने घटिया दिन आए लेकिन मेरी पढ़ाई को इंपैक्ट कोई नहीं करेगा? ठीक है, आप रोज अपना एटीट्यूड डिसाइड करिए और रोज फाइट मारिए। ठीक है, ओके बेटा।